चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एबीपी न्यूज सर्वे, मोदी की लोकप्रियता 23% घटी तो राहुल की लोकप्रियता 167% बढ़ी। खत्म हो रहा है क्या मोदी का जादू? एक साल में पीएम मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मई 2017 में 44% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी, अब मात्र 34% लोगों की पसंद रह गए, जबकि 9% लोगों की पसंद राहुल गांधी अब 24% लोगों की पसंद बन गए। यानी पिछले एक साल में मोदी की लोकप्रियता लगभग 23% की दर से घटी और राहुल गांधी की लोकप्रियता 167% बढ़ गई। मोदी सरकार के 4 साल अब पूरे हो जाएंगे। इन 4 साल में देश ने कितनी तरक्की की है इसका अंदाजा आम जनता को बेहतर होगा। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए? हर साल 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख आदि का क्या हुआ? कई वादे किए गए, इनमें से कई वादे तो जनता भूल भी चुकी। आप खुद बीजेपी के 2014 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, इसमें कितने वादे पूरे हुए आपको अंदाजा लग जाएगा। खैर, विपक्ष का दावा है कि वो एकजुट है और बीजेपी को 2019 में रोकने में कामयाब रहेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो पूर्ण बहुमत से आ रही है। सबके अपने अपने दावे हैं। एबीपी ने भी अपना सर्वे किया और एक दावा किया। एबीपी न्यूज का कहना है कि देश के मूड के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। देश के मूड के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़त हुई। साल 2014 में 16% के मुकाबले राहुल गांधी की लोकप्रियता में 8% की बढ़त हुई है और ये 24% हो गई। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।